अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है सुबह का सितारा और मैं हूँ नबीहा एजाज खान। आपकी खिदमत में नाज़रीन रोज़ाना ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं जिसे हम कुछ सीख सकें, अपने अंदर कोई बेहतरी की गुंजाइश बना सकें, कोई उम्मीद की किरण हम जनाब आपके लिए अपने लिए रोशन कर सकें। तो एक बहुत ही बढ़ते हुए मसले की तरफ आज हम इशारा करने वाले हैं। मसलों का जिक्र हम इसलिए करते हैं ताकि हाईलाइट हों ऐसे इशूज़, आप और मैं अगर वो मसले मसाइल हमारे घर में हैं तो हम उनको इंडिकेट कर सकें, उनको जान सकें, उनको समझ सकें, और उसके बाद हमारी छोटी सी एक कोशिश ये होती है कि उसका जो हल है वो हम आपके सामने रख सकें। अच्छा, हमारी अम्मियों का एक बड़ा ही पसंदीदा डायलॉग है, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा और आप एग्री भी करेंगे। आप बीमार हो जाएं, आपको भूख ना लगे, आपको नींद ना आए, कुछ भी आप करें, अम्मा का एक जुमला आता है, मैंने कहा था ना ये लड़की सारा दिन फ़ोन यूज़ करती रहती है, लड़का सारा दिन फोन, ये सब कुछ फ़ोन की वजह से हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अम्मा की वो सारी जो बातें हैं ना वो वाकई ठीक होगी। भाई नींद ना आना, नींद में सबसे बड़ा खलल तो हमारा टेलीफोन ही है, ठीक है, भूख का ना लगना, खाना भी ठीक से ना खाना। रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं तो हम खाने कम खाते हैं, उसके खाने के पिक्चर्स ज़्यादा बना रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर सोशल मीडिया के, इंटरनेट के, मोबाइल फ़ोन्स के फ़ायदे बेतहाशा अगर हम उसकी तरफ जाएं, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें, लेकिन वहीं पर हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, आप देखें, हम बच्चों से ही स्टार्ट कर लेते हैं, एडिक्टेड है। शायद ही कोई घर बच्चों वाला फ़ोन से, कार्टून से, इंटरनेट की से महफूज होगा। तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी, मतलब 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, लेकिन उसका अपना भी फ़ोन है। मामा कहती हैं बड़े फ़ख्र से कि जाओ महवेश, जाओ हिना, इसका फ़ोन लेकर आओ, बीबी जो है वो रो रहा है, उसको तो फ़ोन चाहिए, फ़ोन से ही वो चुप करेगा। अब ये मैं हंस रही हूँ, लेकिन ये एक सीरियस मसला है, ये एक संजीदा मसला है कि 1 साल के बच्चे को हमने फ़ोन पकड़ा दिया है, ये कहाँ लेके जाएगा हमें, हमारी इस जनरेशन को कहाँ तक लेके जाएगा। ज़रा हम इस पर आज बात करते हैं। जहाँ पर इसके मसले मसाइल एक दो मैंने हाईलाइट कर दिए, वहाँ पे मैंने पहले ही जिक्र किया कि इसके बेतहाशा फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगर उनका इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल सारी बातें मैं नहीं करूँगी, हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे जनाब हम जानेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है नोमान मलिक साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इनसे ज़रा आज हम सोशल मीडिया के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उन पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम जी, आपका बेहद शुक्रिया, आपने यहाँ पे मुझे मधु किया, मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो नोमान साहब हमें बताएगा कि जो सोशल मीडिया है जी, उसका बेजा इस्तेमाल हमारी जहनी सेहत को कर रहा है मुतासर? जी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, और मेरा ख्याल है ये मुसलसल कर रहा है। और ये देखिए कि आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आप मोहब्बत की अगर बात कर लें, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो ये टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा, और आपका जो मॉर्निंग शो का उनवान है सुबह का सितारा, तो जब आप सुबह सुबह इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जो सोसाइटी बेस्ड होती हैं और लोग सुनना भी चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आप एक बहुत अच्छी होस्ट हैं, और मैं भी आपके शोज़ वगैरह देखता रहता हूँ, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाती हैं। तो देखें, किसी चीज़ का भी बेजा इस्तेमाल वो आपको जहनी जिस्मानी तौर पर जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आप मोहब्बत की बात कर लें, मोहब्बत भी एक हद तक अगर आप किसी से करते हैं तो ठीक है, अगर वो हद जो है वो तजावुज़ इख्तियार कर जाती तो वो भी आपके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित होती है। इस पर मैं शेर एक कोड करता हूँ, फिर मैं इसके इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा। कहते हैं उम्र भर सहरा नवर्दी की, मगर शादी ना की, कैस दीवाना भी था कितना समझदार आदमी। कहते हैं कि लोग कैस को दीवाना कहते हैं, लेकिन हम कैस को फरजाना कहते हैं। फरजाना वो होता है कि जो अक्लमंद होता है। देखें सोशल मीडिया के जो नुकसान हैं ये हमें बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। हम इस तरह अडिक्ट हो गए हैं कि हमें ना खाने का पता है, ना पीने का पता है, ना हमें इबादत का पता है, और ना सोने का पता है, ना उठने का पता है। हम सुबह जब उठते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमें नोटिफिकेशंस जो आए हैं पहले हम उसको देखिए कि किसके आए हैं, और हम ऐसा उसका शिकार हो गए हैं कि मेरा ख्याल है बहुत बड़ा मर्ज हमें लाहक होता जा रहा है। यहाँ पे आपकी बात मैं ऐड करना चाहूँगी, जो लोग जैसे कि काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम अ वर्किंग वुमन, आप मतलब मर्द यूजली सारे काम करते हैं, खवातीन में अक्सर होता है कि हाउस वाइफ्स भी होती हैं, या जो बच्चे हैं, यूथ है, यंगस्टर्स हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। अब हम, आप और मैं क्योंकि ये बात करें तो शायद आप और मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि कितना अनएथिकल लगता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, एंड
मैं फोन को स्क्रॉल कर रही हूँ या मेरी नजरें फोन पर जी 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 मतलब मैनर्स और कहाँ वो गई चीज़ें। अब जो लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं या घर में नहीं है इतना, अब मेरे ख्याल से कि हम लोग फोकस भी नहीं करते अपने घरों में, सिखाते भी नहीं हैं, बच्चे सुनते भी नहीं हैं कि कोई बड़ा बात कर रहा है, तो आप यार फ़ोन साइड पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए जी, यू नो, अगले की बात को अहमियत देना। गैदरिंग्स में आप देखें, खाने की हो, घर में दावत हो, ऑफिस की हो, या कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो, वेरी अनएथिकल कि आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, समवन इज टॉकिंग टू यू। जी, वो असल में प्राइवेसी ख़त्म हो गई ना। हम अगर एक घर में रहते हैं, वहाँ पे अगर चार कमरे हैं, तो बहन भाई एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं कि आप मुझे खाना ला दीजिए, पानी ला दीजिए, ठीक है। और इससे हटके अगर आप बात करें, आप त्यौहार की अगर बात करें, कोई शादी ब्याह दीगर तकरीबात हैं, तो बस मुबारकबाद दे दी जाती है फ़ोन पे, जाया नहीं जाता। इसलिए आप देखें कि लाइब्रेरीज़ की अगर बात करें, लाइब्रेरीज़ में कोई पढ़ने नहीं जाता, सबको जो है ना शॉर्ट नोटिस पे कुछ चीज़ें नोट्स की सूरत में दे दी जाती हैं, वो पढ़ लेते हैं। इसी वजह से किताब दोस्ती का जो रुझान है वो भी ख़त्म हो गया। इस सोशल मीडिया ने जो है ये एक ऐसा इंकलाब बरपा किया है कि हर कोई इससे मुतासिर है, हर कोई। हम कल्चर अपनी रिवायात से कितनी दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। लोगों से छोटा छोटा मिलना मिलाना होता था, ईद कार्ड्स होते थे, ग्रीटिंग्स होती थी, बिल्कुल। अब अच्छा, ये हमारी जो पहले वाली जनरेशन और अभी वाली जनरेशन, इसमें ना कहीं फंस के अटक के रह गई। जी जी। अब होता क्या है, ई कार्ड्स का दौर आ चुका है। अब किसी ने किसी को अगर शादी पे बुलाना है तो उसका जो इनविटेशन है वो घर जाके प्रॉपर, पहले जिसे दावतें होती थी, ठीक है, अच्छी बात है, एक चीज़ है, उसको अच्छे से अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं, वक्त बच रहा है उससे और आपका, यू नो, लेकिन अब वो जो हमारी पिछली जनरेशन है ना, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते कि ये भी कोई तरीका हुआ बुलाने का, तो फंस कर कहीं लोग रह गए हैं हमारे से पिछली जनरेशन और हमारे से अभी अभी की जो हम लोग हैं। स्पेशली मैं अपनी बात और हमारे साथ के लोगों की बात कर रही हूँ कि एथिक्स को, मैनर्स को, सोशल मीडिया का जो सही यूज़ है, AI ऑब्वियसली सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, कि इसका यूज़फुल जो है इस्तेमाल वो होना चाहिए, मुफीद, मतलब कि हमारे लिए किस तरह से ये हो सकता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, देखिए मुफीद इस तरह से हो सकता है कि हम उस पर ऑथेंटिकली जो चीज़ें हैं ना उसको पोस्ट करें जब हमें उस चीज़ का पता हो। हम ऐसी चीज़ें पोस्ट करते हैं जिसको मंसूब किया जाता है शवाक अहमद साहब के साथ, जिन्होंने वो कहा भी नहीं होता, इकबाल के साथ किया जाता है, फिर अहमद फराज के शेर जो उनके नहीं है वो कह दिए जाते हैं कि अहमद फराज साहब के शेर हैं। तो अगर अहमद फराज साहब जिंदा होते हैं तो उन्हें कितना दुख होता। आप ये देखें कि ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि जो चीज़ अथेंटिक नहीं है उसे आप एक शक्ल बना के पेश करें, और हर कोई अफेक्ट हो रहा है इससे। देखें, और इससे एक और अजीबोगरीब चीज़ रूनुमा हुई है कि लोगों में खुद नुमाई, अपना दिखावा, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फ्रस्ट्रेशन कहीं पे भी जा रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत। देखें, अगर आप खाना भी खा रहे हैं उसकी भी तस्वीर आप बना रहे हैं, ठीक है, चलें दूसरे त्योहारों पे या शोज में या इस तरह की चीज़ें तो चलें वो समझ आती, लेकिन आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, आप तस्वीर बना रहे हैं, आप किसी से मिल रहे हैं, किसी से पर्सनली भी मिल रहे हैं, कोई आपका दोस्त भी आया, आप कहते हैं यार ज़रा आप यहाँ पे तस्वीर। मैं एक शायर हैं, उनकी मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि मुझे ना ऑपरेशन थिएटर में कोई मेरे मरीज़ थे तो मैं गया, तो वो शायर काफ़ी नामी ग्रामी है, तो वो डॉक्टर ने कहा सर एक मिनट आइएगा, मैंने आपके साथ ना तस्वीर बनानी है। तो आप ये देखें कि वो इतना सीरियस मर्ज लाहक है, उस वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है, लेकिन वहाँ पे ये खुद नुमाई वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो आम हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर गया, खासतौर पर ये खाली फीमेल्स में नहीं है, ये मर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ये दोनों तरफ से। आप देखें एक ऐसा इंकलाब बढ़पा हुआ है कि हम अपनी जो रूट से और कल्चर से ये बिल्कुल दूर हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं बच्चों की तरफ भी इसमें आना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे लगता है कि सबसे जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो तो हमें अभी फेस करना है जी, क्योंकि ये जो अभी हमारी गोद में जो बच्चे हैं ये क्या बनेंगे बड़े होकर। क्योंकि मुझे हमारा बचपन याद है कि शाम को 6 o'clock आई स्टिल रिमेंबर कि नया नया डिश का और चैनल्स आए थे, बड़े थे, PTV था पहले, तो हमारे मॉर्निंग में वो एक सुबह गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जो हुआ करता था उस पर आपको 15 या 10 मिनट का एक पिंक पैंथर या कार्टून्स उसमें हुआ करते थे। उसके बाद जब नए नए चैनल्स आना शुरू हुए, डिशेज आई, तो शाम 6 बजे सिर्फ 1 घंटे के लिए कार्टून्स हम देख सकते थे और वो डिज्नी आवर एक होता था। अभी आप देखें कि 24 घंटे सिर्फ बच्चा सोता है तो उसके पास फ़ोन नहीं होता, उसके अलावा उसके पास उसका या तो iPad है या जो भी उसके पास एंड्रॉयड बुक है या उसके अपने सेपरेट फ़ोन हैं। बच्चे घर में 3 हैं 4 हैं 2 हैं, सबका अलग अलग फ़ोन है। मतलब मैं ये देखती हूँ, मैं पूछती हूँ कि एक साल के 2 साल के बच्चे को मोबाइल फ़ोन की क्या ज़रूरत ऐसी पड़ गई। तो ये तो अभी इन बच्चों ने जब बनना है, आना है अभी, तो ये क्या होगी सिचुएशन, क्या होगा इनका हाल।
सिचुएशन वही है जो हमारी नौजवानों की है। देखें, जब आप बच्चा जब रोता है तो माँ उसको फ़ोन दे देती है कि इसका दिल बहल जाएगा, ये खामोश हो जाएगा, तो हम बच्चे को खुद एडिक्ट कर रहे हैं। बाद में हम कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, फिर हम असातिज़ा को कसूरवार ठहराते हैं, ठीक है, फिर हम जहाँ पर वो पढ़ता है उसके ट्यूशन सेंटर चले जाते हैं कि जी उन्होंने कहा। फिर वो देखें, जब आप एक इसकी ग्रोथ ही बच्चे की ऐसी करेंगी तो वो फिर बाद में असातिज़ा को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पहली दर्सगाह जो है वो माँ की गोद है बच्चे की, ठीक है। पहले ज़माने में अगर आप शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल रियाजत की, उन्होंने देखे कि सफ़र कैसे होता है, लोगों से मिले, सोशलाइज हुए, तो अब तो आप फ़ोन पे ही सारा कुछ सर्च कर लेती हैं, नोट्स उनके सब चीज़ें आती हैं। तो ये कसूरवार इसमें पेरेंट्स हैं, इतनी छूट दे देते हैं पेरेंट्स बच्चे को कि आप फ़ोन इस्तेमाल कीजिए। और अब तो नौजवान नस्ल को भी इतना चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। आपको ये लगता है कि हर इन्वेंशन पे हमने हमेशा ऐसे बातें की, ये भी आपको लगता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब पहले रेडियो आया होगा, मेरी अम्मा बताती हैं कि उनके बचपन में वो लोग रेडियो सुनते थे या मेरी नानी रेडियो सुनती थी, तो हुआ कि ओहो हो रेडियो आ गया, तबाही आ गई, ये हो गया, फहाशी हो गई। फिर टीवी आया, लोग टीवी के एडिक्टेड हो गए कि टीवी ही चलता चला जा रहा है। और बड़े बुजुर्ग उनके पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को कहो हो ये तो खराब हो गई नस्ल। फिर मोबाइल फोन आया, फिर कंप्यूटर्स आया, फिर लैपटॉप आया, ये आते आते फिर मोबाइल फोन तक। तो अब हम कह रहे हैं कि ओहो हो ये तो नस्ल अब बर्बाद हो जाएगी या ये क्या है। तो आपको लगता है कि ये एवरी जनरेशन हर दौर में जब नई चीज़ आती है बच्चे उसके एडिक्टेड होते हैं, जब कुछ चलती चली आ रही हैं, तो ये एक कंसर्न रहता है, लेकिन इतनी कोई अलार्मिंग बात नहीं है। आप इससे एग्री करते हैं? जी, मैं इससे एग्री करता हूँ। देखें, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि किसी भी चीज़ का बेजा इस्तेमाल वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। देखिए, रेडियो आया तो रेडियो एक पैगाम रसाई का जरिया था, टीवी आया उसमें एक न्यूज़ को कन्वे करना आसान था, उसको आप देख सकते थे, फिर एंटीने का दौर था, उसके बाद फिर डिशेज आ गईं, केबल आ गए, फिर वीसीडीज और ये जो सीडी प्लेयर, ये सिलसिला। तो ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। देखें, किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, वो आपके लिए नुकसानदेह है, कुछ भी है, चाहे वो रेडियो का इस्तेमाल भी है। हाँ, पानी का भी आप देखेंगे ना, आप कहेंगे पानी का भी ज़्यादा। देखिए, आपने जो ये पीटीवी की बात की ना, पीटीवी में सुबह के टाइम इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती थी, कसौटी आता था, फिर मुसलसल सैन तारण साहब बच्चों के साथ गुफ्तगू करते थे, वो हम स्कूल जाते हुए देखते थे, फिर एक दुआ आती थी, वो दुआ हम पढ़ के मांग के फिर जाते थे स्कूल। कारी साहब आते थे। जी बिल्कुल, कारी साहब आते थे तो वो तलावत हम सुनते थे। तो कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरह की चीज़ें देख के घर से निकलेंगे तो आपका इम्पैक्ट कितना अच्छा होगा। और आज सुबह के टाइम हम जो चीज़ें देखते हैं कि जी मेकअप में कौन सी चीज़ अच्छी है और आजकल किसका रुझान ज़्यादा है, कौन सी मॉडल टॉप ऑफ द लिस्ट है, जब हम ये चीज़ें देखेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हम सारा दिन फ़ोन पे ही रहेंगे। और फ़ोन ने जो है ना, ये इंकलाब तो बढ़पा किया है, लेकिन ये दोनों एंगल से अगर आप देखें बहुत नुकसानदेह ये है। अगर इसके फ़ायदे भी इसके बेतहाशा हैं, जाहिर सी बात है पैगाम रसाई का ज़रिया है और ईज़िली हम एक दूसरे को जो है वो मिल सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। कहते हैं कि ख़त आधी मुलाकात होती है, अब फ़ोन पूरी मुलाकात जो है, रिसर्च कहती है कि आप वीडियो कॉल पे भी किसी को आप देख सकते हैं, जो चाहे दूसरे ममालिक में भी वो रहता है। किसी वक्त तो वो तार आते थे और वो जो खत खतों किताबत का सिलसिला था। अभी रिसेंटली मैंने अपनी वो पुरानी अपना बॉक्स खोला तो उसमें से एक जूते का डब्बा जिसपे मैंने पूरा टिकट से उसको किया हुआ था, उसपे हर जगह स्टैम्प्स थी, कहीं से भी कोई था, बड़ा प्यारा, मैं किसी दिन शेयर भी करूंगी आपके साथ बल्कि। और उसमें कोई 100-150 के करीब खत था, जब क्योंकि हमारे बचपन में जब हम बहुत फोर्थ फिफ्थ क्लास में थे, थ्री क्लास में थी, तो हम कजन तब खत होता था जी। क्योंकि तब कजन्स को बड़ा शौक होता था, तो मैं वही सोच रही थी, वो मैंने देखा, मैंने कहा अब हम क्या आज से 5-10 के बाद साल के बाद हम व्हाट्सएप संभाल के रखेंगे, ये फोन रख लेना, इसमें से मेरा व्हाट्सएप मत हटाना, क्योंकि देखिए चीजें कितनी बदल चुकी हैं, अब खत लिखना तो दूर की बात। लेकिन देखिए, तहरीर का अपना ही मजा है, आप व्हाट्सएप को कितनी देर संभाल के रख लेंगे, ये एक टेक्नोलॉजी है ना। ये अगर आपका फ़ोन कोई मसला करता तो डाटा सारा चला जाता है, वो आपकी यादें, वो अच्छी मेमोरी चली गई है। खत एक ऐसी चीज़ है, तहरीर ऐसी चीज़ है, आप 10 साल बाद 20 साल बाद भी निकालेंगे, उसकी वो जो खुशबू है वो तरोताज़ा ही रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कैसे आप समझते हैं कि पेरेंट्स को कैसे मेक श्योर करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो घर में कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ आप समझते हैं कि होनी चाहिए कि बच्चों को, जिनकी हमने बात की कि एडिक्टिव है या लत पड़ गई है? देखिए, उसमें ये है कि मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और बच्चों को एक ऐसी दर्सगाह में भी जो है वो दाखिल करवाना चाहिए, ना कि वो सिर्फ घर पे ही रहे, मुख्तलिफ़
एक्टिविटीज़ में अपने जो पार्टिसिपेट है, जैसे बज में अदब का पीरियड होता था किसी वक्त में, क्लासों में बड़ी छोटी एज में, मैं जब छठी या सातवीं में था तो बज में अदब का पीरियड होता था, घर में बच्चों को करवाए ना, बिल्कुल कुरान पाक पढ़ाया जाता था क्लास में, वो बच्चों को पता होता था कि मैंने सबक याद करके आना है, मेरे टीचर ने सुनना है, इस तरह की चीज़ें में इंडल्ज करें बच्चों को। मैं पहली बार सवात गई तो हमारे बचपन में तो आपको पता कितना अच्छा लगता था, फोन शोन तो होते नहीं थे, तो हमें रात को टास्क मिल गया सबकी तरफ से, बड़ों की तरफ से, सब कजन्स के, अब आप सब लोग, एक पेपर दिया गया, एक पेंसिल दी गई कि अब आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, सवात में है, पहाड़ों में है, तो अब आप अपनी फीलिंग्स इस पे लिखें और फिर सब पढ़ के सुनाएंगे। तो वो वन बाय वन करके किसी ने लिखा कि जो है ये खूबसूरत वादियां हैं, मतलब हर बच्चे ने अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिव राइटिंग की। तो ये एक एक्टिविटी थी, उसमें क्या था, उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। अभी आप करें ना स्वात का ट्रिप, नारायण कागान किसी हिल स्टेशन पे जाएं, मैं कहती हूँ कि बच्चों को क्या, बड़ों को फोन से फुर्सत नहीं मिलेगी, पूरे रास्ते माँ स्नैप बनाती आएगी, बाप फोन पे बात करते आएगा, बच्चों के अपने फोन से, आप आपस में उस नेचुरल ब्यूटी को ही नहीं इंजॉय कर पाएंगे। सो ये एक बड़ा मिस पॉइंट है हमारी लाइफ में कि हम इतना ज्यादा वी आर इनटू आवर फोन्स। वो एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने किसी से कहा कि आप घर पे, हमारी गैदरिंग थी तो सालगिरह का फंक्शन था, आप आए नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको विश कर दिया था। अब वो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को क्या पता ये फोन किस तरह से चलता है। तो आप ये देखें कि हम लोग तैयार ही नहीं है किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए, ठीक है, फिर हमें ज़हनी मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना है। माहिर नफ्सियात से अगर आप बात करें ना तो वो पूछते हैं कि जी आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो एक्टिविटीज़ यही होती हैं कि ऑफिस से घर आ गए, घर ऑफिस में भी फ़ोन चलाया, घर में भी फ़ोन चलाया, तो वो आपकी जो साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा असर करती हैं। करेक्ट। इस पे अकबर का मैं शेर सुनाता हूँ, कहते हैं नहीं इस बात की पुरसिश कि उल्फत अल्लाह कितनी है, सब यही पूछते हैं आपकी तनख्वाह कितनी है। अरे तो देखें बात सिर्फ ये है कि जो एबिलिटीज है ना आपकी, वो इस सोशल मीडिया ने खत्म कर दी, आप लिख नहीं सकते, अच्छी शायरी नहीं आप लिख सकते, आप कॉपी पेस्ट चीजें लगाते हैं, स्पेलिंग्स वी आर सो बैड। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर आप रोमन इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं जो कि ठीक नहीं होती, उर्दू लिखना नहीं आती, पढ़ना नहीं आती हमारे बच्चों को। तो देखें मुसनसम सैतार साहब, आपने ये सवाद की बात की ना, मुसनसम सैतार साहब के बारे में ये आता है कि जब वो अफसाना लिखते थे ना या सफरनामा लिखते थे तो वो बकायदा वहाँ पे जाके लिखते थे। अब तो सफरनामे लोग ऐसे ही लिख देते हैं ना कि जब तक आप मड़ी ना जाएं तो आपके लफ्ज़ों से वो ठंडक ना आए कि आप मरी से होके आए हैं फिजिकली, तो आप ये नहीं कह सकते कि मरी का मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि आपके लफ्ज़ों में वो तासीर नहीं होगी। हाँ आप जाके अगर कहते हैं ना कि मैं मरी गया था और उसके जो इतराफ़ में जो मैंने वादी और पहाड़ियाँ देखी बहुत अच्छी थी, तो आपके लफ्ज़ों से भी वो ठंडक आएगी। उसकी वजह यह कि आपने फिजिकली सफ़र किया वहाँ पर। जब तक आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं ना करेंगे कोई भी एक्टिविटी में, आप उसको कैसे आप पोस्ट कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया पे आप लगा सकते हैं। सब ये सफर अब ये तूफान अब रुकने का तो नहीं है जी, ये अब रुकने, अब ये रुकना, ये बढ़ता जा रहा है, ये तो बढ़ेगा, तो ये रुकना तो बहुत ही मुश्किल है। तो क्या देखते हैं आप फिर फ्यूचर, क्या देखते हैं इसका फ्यूचर? यही है कि देखें इसका डिसिप्लिन एक, इसका ना एक टाइम पीरियड रखा जाए कि इतने ही टाइम में बस आपने यूज करना है, उसके अलावा नहीं। घर हर एक्टिविटी रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए हर घर के, बिल्कुल, मतलब आप पूरी सोसाइटी को तो आप ठीक नहीं कर सकते शायद, हाँ, लेकिन आप अपने घर से अगर आगाज करें, ऐसे ही है, अगर आप अपने घर को हर इंसान ठान ले, और ये थोड़े से आई थिंक कुछ असूल होने चाहिए जिंदगी गुजारने के, अपने घर के असूल होने चाहिए। मैं हमेशा घर में बात करती हूँ एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि घर में एक वक्त का खाना तमाम घर वालों को एक साथ बैठ के खाना चाहिए, चाहे वो मेज़ पे लगे चाहे वो दस्तरखान पे लगे, लेकिन आप आपस में बैठते हैं, आप एक साथ खाते हैं, इससे बरकत पड़ती है, प्यार बढ़ता है, आप अपनी चीज़ें, और उस टाइम पे फ़ोन पास ना हो, ये मेक श्योर करें कि उस टाइम पे फ़ोन पास नहीं, बड़ा ज़रूरी है, वरना हम इतने फासले हमारे बढ़ जाएंगे एक घर में रहते हुए ही। इतना आप देखें कि बड़ा मुश्किल दौर है, सोशल मीडिया का है, एआई का है, वक्त ज़माना बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो अगर हम अपने घर को संभाल लेंगे तो मेरे ख्याल से हम एक जनरेशन जो है अगली उसको संवार सकते हैं, उनको बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच तमाम साहब, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम। जनाब ख़त्म हो रहा है टाइम हमारे प्रोग्राम का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और जो बातें हमने आज प्रोग्राम में डिस्कस की हैं उन पर गौर ज़रूर कीजिएगा, फ़िक्र ज़रूर कीजिएगा, माशरे की ना सही अपने घर की तो फ़िक्र आप ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।